हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी व्लॉग्स में मैं बात करने जा रही हूँ कामनी और निकू सुमित के बारे में। रिसेंटली कामनी का एक व्लॉग आया जिसमें उन्होंने कुछ टाइटल ऐसा दिया हुआ था कॉपीकैट। मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी उसे देखने के बाद में, आखिर कॉपीकैट किसको कहा जा रहा है? क्या फिर से अपने नान को मतलब जो जेठानी देवरानी है उनको कुछ टारगेट किया जा रहा है या फिर किसी रिएक्शन चैनल के लिए या किसी के लिए ऐसे ही बोला जा रहा है? तो मैंने उसे देखते हुए पूरी वीडियो को देखा, जो चीज़ें मुझे समझ में आई मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। प्लस कमेंट सेक्शन पर जब मैंने देखा तो कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा आग लगाई जा रही थी, जो कि मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। खैर, कमेंट सेक्शन में जो बोला जाता है उसके जिम्मेदार जितने कॉमेंट करने वाले होते हैं उससे ज़्यादा आप भी जिम्मेदार हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, मतलब कल ही शायद वो वीडियो गई थी, जिसमें मैंने बताया था कि कामनी ने जब अपनी सांस के पैर छुए तो ये चीज़ कैप्चर की किसने? निकू ने। निकू ने अपने ब्लॉग में डाल दिया लेकिन कामनी ने नहीं डाला। बट इसके बाद में जब ये ब्लॉग में आई चीज़ें तो दो चीज़ें हो गई। जो कामनी को पसंद करने वाली थी पब्लिक वो भड़क गई कि सांस ने अच्छा रिएक्शन नहीं दिया, क्यों आखिरकार निकू उनके वीडियो ले रही है जब कामनी ये वीडियो नहीं लेती। दूसरी तरफ निकू को सपोर्ट करने वाली जनता कहने लगी, अरे देखो ये तो फ्रेज नहीं करती अपनी जेठानी को लेने के लिए, तो जेठानी को ले लेती है वीडियो में, और जेठानी कितना मतलब सांस कितना प्यार कर रही है क्योंकि निकू अच्छी है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें दो चीज़ों में बट गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, निकू सुमित को तो जो हेट मिल रही थी वो मिली है, लेकिन निकू का यहाँ पर स्टेप बहुत ज़्यादा गलत हुआ क्योंकि उसकी वजह से उनकी सांस को भी कहीं ना कहीं हेट मिल गई। अब निकू ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि मेरे परिवार के लिए हेट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप ऐसी ही हरकत करती रही तो वो तो हेट मिल ही जाएगा, फिर किस तरीके से आप रोकेंगी? यहाँ पर मैं कामनी की गलती नहीं कहूँगी। लोगों ने तो ये भी कहा कि कामनी आई और बस पैर छू के निकल गई, अपना बात करने की कोशिश की है ना, वो 10 मुँह है 10 तरीके की बात होंगी, लेकिन जब आप लोगों की आपसी अनबन चल रही है उस बीच में इतना इस चीज़ को दिखाने की क्या ज़रूरत थी? माना कि जो आपने वो वीडियो शायद अपने पैर छूने के लिए ली होगी लेकिन उनकी क्लिप आ गई थी तो आप उसको कट भी कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि आपको कट करना नहीं आता या फिर कुछ वो है, बट आपने फिर भी वहाँ डाली। अब इस पर सवाल उठ गए। आज कामनी ने अपनी वीडियो में भी बोला कॉपीकैट, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था निकू को टारगेट किया जा रहा है, बट कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन पब्लिक जो है नीचे वो ज़रूर निकू का नाम वहाँ पर ले रही थी। पब्लिक काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई थी, इंक्लूडिंग मैंने कमेंट भी देखा जिसमें ये बोला जा रहा था कि जब आपको आप निकू को नहीं लेती अपने वीडियो में तो निकू क्यों लेती है, तो वहाँ पर कामनी का रिप्लाई भी था, वो कमेंट मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कामनी भी ये नहीं चाहती कि निकू उनको ले। दूसरा, फिर कामनी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई फैमिली में कॉन्ट्रोवर्सी कब होती है, जब एक तो टोंट मारा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दूसरा ये कि जब दूसरा नहीं आना चाहता अलग है और आप उसको ले रहे हो, नेगेटिव इमेज उसकी बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कामनी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है क्योंकि उसको हेट मिल रहा है उस वजह से। लेकिन ये चीज़ निकू को समझनी चाहिए कि यहाँ पर उसको हेट तो मिला ही है, कामनी को, निकू को भी मिला है, साथ में उनकी सास को भी मिला है, तो ऐसी हरकतें ना करें। पहले भी आप अपनी सास को इस तरीके से लेके आ गए थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो गया था, लोगों ने दोनों को ही बहुत कुछ कहा, कामनी को भी और आपको भी, तो ऐसी हरकतें ना करिए, चीज़ें सही नहीं लगती। अगर वो आपका अनबन है तो थोड़े दिनों के लिए ना दिखाएं जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। लेकिन कामनी किसको ढूंढ मार रही थी ये बात अब तक समझ नहीं आई। अगर आपको समझ में आई है कॉपीकैट कौन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।